उजबी नशैत बसमिल तस्वीर तै की दरदा आखिरी नबी हज़रत महमदल व महरा आबद् खर रास नुक़ा के फोरम से हदर खदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम आज का हमारा मौजू है कि तलाक़ की सूरत में औरत को कौन से हकूक़ हासिल हो जाते हैं इससे पहले हम खुला और तलाक़ का मौजू ज़ेर बैस ला चुके हैं अब हम जेर बैस लाते हैं कि अगर एक औरत को तलाक़ दे दी जाए या औरत खुद खुला हासिल कर ले तो उसको कौन से हकूक़ हासिल हो जाते हैं जो वो अदालत में दावा दायर करके हासिल कर सकती है और अदालत ऐसे हकूक़ को औरत को जब औरत दावा दायर करेगी अपना प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद और अपना इत्मीनान हासिल करने के बाद औरत को दलाएगी जो कि ये हैं मैं नंबर वाइज जो है ना वो, वो आपके सामने रख देता हूं नंबर एक समान जहेज नंबर दो हक महर नंबर तीन नान नफका यानी कि खर्चा नंबर चार इद्दत तक का नान नफका इद्दत तक का खर्चा नंबर पांच गिफ्ट ज़ेवर वगैरह नंबर सात बच्चों की कस्टडी यानी बच्चों को अपने पास रखने का हक़ हाँ। नंबर आठ बच्चों से मिलने का हक हाँ। नंबर नौ लड़की की सूरत में बेटी की सूरत में अपने पास रखने का हक हाँ। हमें इन तमाम हकों की हम एक एक दो दो लाइनों में वजाहत कर देते हैं नंबर एक सामान जहेज आ, औरत तलाक़ की सूरत में या खुला की सूरत में हक रखती है कि वो अपना सामान जहेज जो उसके सबक खामद के घर में पड़ा होता है वो हासिल करें और ऐसा सामान जहेज़ नकाह के वक्त जो सामान जहेज़ की लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक होगा हाँ अगर किसी औरत को उसके वालदे ने या उसके रिश्तेदारों में शादी के बाद भी कोई ऐसी चीज़ें दी हैं कि सबक खामद के घर में रह गई हैं तो वो उन चीज़ों को वापस लेने का हक़ रखती है इसके अलावा आजकल तो सबूत के लिए वीडियोस भी पेश की जा सकती हैं क्योंकि जो जो कि शादी ब्याह के मौके पर बनाई जाती हैं और उसमें सामान जहेज़ दिखाया भी जाता है वो भी साथ लगाई जा सकती हैं ताकि मुकम्मल तौर पर सामान जहेज़ वापस लिया जा सके नंबर दो हक मेहर हक मेहर दो किस्म का होता है हक मेहर मुअज्जल यानी कि फ़ौरी तौर पर अदा करने वाला जो नका के वक्त दुल्हा फ़ौरी तौर पर दुल्हन को अदा कर देता है दूसरा होता है गैर मुज्जल जो के बाद में देना होता है जब औरत मांगे उस वक़्त देना होता है या जब औरत का नक ख़त्म होता है उस वक़्त वो ले सकती है या फिर जब अगर नकाह बरकरार रहता है तो जब वफात पाता है तो उस वक़्त उसको मिल जाता है तो जो महर गैर मुज्जल है वो वापस लेने का हक रखती है नंबर तीन नान नफका का हक अगर खामद औरत को तलाक़ दी है तो तलाक देने से पहले जितना अरसा खामद ने खातून को अपने घर से निकाला उस वक्त तक का भी ख़र्चा खातून औरत तलब कर सकती है अगर खामद ने अदा ना किया हो तो नंबर चार इद्दत तक का ख़र्चा औरत तलाक़ की सूरत में इद्दत तक का ख़र्चा तलब कर सकती है खुला की सूरत में चूँकि वो अपने खामद के पास अपना घर बसा ही नहीं रही होती इसलिए वो खुला की सूरत में ये तलब नहीं कर सकती अलबत्त उसको हक हासिल है कि वो तलाक़ की सूरत में इद्दत तक का ख़र्चा ले सकती है नंबर पाँच तोहफे वापस लेने का हक खातून को हक हासिल है कि अगर खामद ने खातून को तोहफ़े दिए हैं कोई तो वो खातून की मलकियत हैं तो वो तोहफे वापस लेने का हक रखती है पर छः तलाई ज़ेवरात वगैरह औरत, औरत को हक हासिल है कि वो अपने जेवरात और तहफ़ चाहे खामन ने नहीं दिए हों लेने का हक रखती है और अगर वो अदालत में इस हवाले से दावा दायर करती है तो अदा... तो अदालत तहफ़ और ज़ेवरात ख़ातून को वापस दलाएगी सात बच्चों की कस्टडी दूध पीते हुए बच्चे अदालत 24 घंटे में औरत को दिलाने का हुक्म सादर कर सकती है खातून जब भी अदालत में पटिशन दायर करेगी अदालत फौरी तौर पर पुलिस को हुक्म देगी और ऐसी सूरत में पुलिस 24 घंटे में बच्चों को वापस अदालत में लेकर आएगी और अदालत खातून के हवाले कर देगी बच्चों से मिलने का हक़ हाँ। अदालत अगर समझती है और बच्चों की बेहतरी इसी में समझती है कि बच्चे माँ की बजाय खामंद के पास रहें बच्चे खामंद के पास होने की सूरत में औरत औरत को हक़ हासिल है कि वो ना सिर्फ़ बच्चों को मिले बल्कि बच्चों की सालगिरह हो या कोई मजहबी त्यौहार हूँ ईदैन हूँ ईद मिलादुलनबी हो शब बरात हो अपने पास रखने के लिए या कोई औरत की बहन या भाई की शादी वगैरह हो तो बच्चे को अपने पास रखने की दरख्वास्त कर सकती है अदालत को और अदालत इसके ऊपर हालात को मद्देनज़र नज़र रखते हुए हुक्म सादर फरमाएगी नंबर नौ बेटी या लड़की की कस्टडी औरत को हक़ हासिल है कि वो अदालत से रजू करे कि लड़की को उनके हवाले किया जाए और अदालत ऐसी सूरत में लड़की की बलोगत तक या शादी तक ख़ातून के पास खातून के हवाले करने का हुक्म सादर फरमाती है लेकिन अदालत इस चीज़ को मद्देनज़र नज़र रखती है कि बच्ची का या बच्चे का वेलफेयर फलाह बहबूद माँ के पास रहने में है या बाप के पास रहने में ये कम अज़ कम हकूक़ हैं जो खातून को तलाक़ की सूरत में या खुला की सूरत में हासिल होते हैं जिनसे किसी को भी इन हकूक़ को कानूनी तौर पर कोई भी नहीं छीन सकता